इस वक्त धनबाद झरिया के गुजराती हिंदी उच्च विद्यालय में हूँ और ये प्रधानाध्यापक का चैम्बर है। अब सरकार का जो आदेश आया है, आज से शिक्षक जो है फुल फेज पे आ गए हैं। पहले 50% आते थे, आज से 100% आ रहे हैं और 9 तारीख से स्कूल को खोलना है। 9 से लेकर के 12वीं तक की कक्षा चालू होगी, जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्कूल प्रबंधक द्वारा तैयारी की जा रही है। सैनिटाइजर का व्यवस्था है, हैंड वॉश है और आप आगे देख सकते हैं प्रिंसिपल का चैम्बर है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी सैनिटाइजर और मास्क भी रखा हुआ है। मतलब कोरोना गाइडलाइन को लेकर के स्कूल प्रबंधक पूरी तैयारी कर रखी है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और कोरोना से संक्रमित बच्चे ना हो। मैं बात करूँगा यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे, मैं बात करूँगा कि किस तरह की तैयारियाँ चल रही है और कब से बच्चे के स्कूल खुलेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण झरिया, गुजराती हिंदी उच्च विद्यालय झरिया का प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। जी आप कोरोना काल के बाद स्कूल जो खुलने वाला है वो कब से स्कूल खुलेगा और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? जी कोरोना के दौरान जो है 22 अप्रैल के बाद से विद्यालय बंद थे और उसके बाद से ये मई माह से हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी रोस्टर पद पे आ रहे थे, परंतु आज से सारे कर्मचारी 100% कर्मचारी आज से उपस्थित हैं और इस दौरान जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हमें एक SOP जारी किया गया है जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, थर्मल गन से उनका टेम्परेचर लिया जाना, जो भी अगर व्यक्तिगत रूप से मास्क पहन के आ रहे हैं तो मास्क अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो हमने इनके लिए मास्क की भी व्यवस्था कर रखी है ताकि कोविड प्रोटोकॉल सारी जो है उसका पालन किया जा सके। और इस दौरान 9 तारीख से बच्चे आएंगे, इससे पूर्व हमें पूरे विद्यालय परिसर की सफाई, इसका सैनिटाइजेशन करना है ताकि बच्चे आने से पहले विद्यालय पूरी तरह से सैनिटाइज्ड हो जाएं। और उसके अतिरिक्त आपने हमारे परिसर में देखा होगा कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत गोले बना कर रखे हैं ताकि गेट से ही बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आएं और कक्षाओं का जो उनका संचालन कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा और बच्चे उसी संख्या में बुलाए जाएंगे ताकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसका सारा प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। और बाकी पूरी तरह से जो SOP 163 पेज का विभाग के द्वारा हमें भेजा गया है, इसका अध्ययन करके हमें पूरी कक्षाओं का संचालन के लिए हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चों को भेज सकते हैं, परंतु बच्चे आने से पूर्व उनके अभिभावकों की सहमति आवश्यक है और बच्चों को इसके लिए सहमति पत्र के लेकर आना है ताकि अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, हम आश्वस्त हो सकें। पेरेंट्स को और बच्चे को भी कुछ संदेश देंगे सर, जो 9 तारीख से स्कूल खुल रहा है उसे किस तरह आना है विद्यालय? जी हम अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि वो निसंकोच होकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और ध्यान उन्हें ये रखना है सबसे पहले कि बच्चे मास्क पहन के आएँ। अगर उनके बॉडी का तापमान, अगर घर में टेम्परेचर है तो अवश्य चेक कर लें कि अगर 98.5 से अधिक उसका तापमान है तो कृपया उसे विद्यालय ना भेजें। सहमति पत्र बच्चे के साथ भेजें ताकि आपकी सहमति से बच्चे आ रहे हैं, ये हम इसको रख सके ध्यान में। और बच्चे अपना पानी खुद लेकर आएं ताकि वो कॉमन चीज़ों का इस्तेमाल से बच सकें जिससे इस संक्रमण का किसी भी प्रकार का खतरा हो। विद्यालय में, विद्यालय परिसर सैनिटाइज्ड है, उनके क्लासरूम बेंचेस सैनिटाइज्ड हैं, हमारे टोटल टीचर पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। इस तरह से हमने जो भी प्रोटोकॉल पालन हमें विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है हमने पूरी तरह से इसकी तैयारी कर रखी है। बच्चे निसंकोच आ सकते हैं, सिर्फ अभिभावक उनका ध्यान रखे। विद्यालय में भी हम बच्चे का टेम्परेचर लेंगे और अगर किसी भी अभिभावक के घर में अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार है, सर्दी खांसी, किसी भी प्रकार का कोई कोविड सिम्टम उनके घर में या उनके किसी छात्र परिजन को है तो कृपया अपने बच्चों को बिना जाँच के विद्यालय ना भेजें ताकि दूसरे बच्चे संक्रमण से बच सकें। प्रधानाध्यापक थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि इन्होंने पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी यह संदेश दिया है कि 9 तारीख से जो स्कूल खुलने वाली है वो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आए और साथ ही पेरेंट्स से उन्होंने यह भी कहा कि सहमति पत्र जरूर बच्चों को देकर भेजें। और इन्होंने यह भी कहा कि पूरी तरह से विद्यालय को सैनिटाइज किया गया है, पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार की दिक्कतें बच्चों को नहीं होगी। लेकिन पेरेंट्स भी ये ध्यान दें, अगर बच्चे को किसी प्रकार का टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर, तो वो बच्चे को ना भेजें। और उनके घर में कोई संक्रमित है तो उन्हें ना भेजें कि उससे क्या होगा, अगर वो भेजते हैं तो
तो और जो बच्चे आएंगे वो भी संक्रमित होंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक भी पूरी तैयारी कर रखे हैं। हमारे साथ शिक्षक है, मैं उनसे ही बात करूंगा कि क्या क्या तैयारियां चल रही है। सर क्या कहेंगे 9 तारीख से जो स्कूल खुलने की तैयारियां हैं, किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम राहुल चौबे, अंग्रेजी का शिक्षक, झरिया गुजराती हिंदी उच्च विद्यालय में हूँ। और यहाँ पे कोविड की तैयारी के लिए हम सारे जितने भी शिक्षक गण हैं, कर्मचारी गण हैं, आज से हम लोग आ रहे हैं। और हमारे विद्यालय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था चल रही है, हमने सारी तैयारियां कर रखी है कि बच्चे आएं और उनका जो भी अभी तक पढ़ाई बाधित रहा है ना कोरोना के वजह से, तो हम चाहते हैं कि वो सेफ़ होकर के आएं और यहां भी सेफ़ रहें। और इसलिए हमने वैक्सीनेशन सारे लोगों ने ले लिया है, वैक्सीनेशन कम्प्लीटेड है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, आज से शुरुआत है। हम मास्क मंगा के रखे हैं, उनके लिए थर्मल स्क्रीनिंग होगी। और हम ये चाहेंगे कि जैसा सर ने कहा कि गार्जियन भी उतना ही सहयोग करें, वो पहले जब तक उनकी उनका सहमति पत्र नहीं होगा कि वो विद्यालय आएंगे कि नहीं, तब तक हम स्कूल में आने नहीं देंगे। इसीलिए वो अपना सहमति पत्र अपने हिसाब से देख लें, और घर में अगर कोई बीमारी है, सिम्टम्स है, तो इसका एहतियात ज़रूर बरतें। और बच्चों के खान पान की भी ध्यान रखें कि लंच बॉक्स और पानी उनको पर्सनल भेजें, ताकि बच्चे बाहर नहीं खाएं और इसे संक्रमण, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब बच्चे बहुत सारे आएंगे तो अगर एक को किसी को संक्रमण हुआ तो ये बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ेगा। तो ये उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना विद्यालय परिवार का है या जितना हमारे कार्यालय का है। तो ये अपनी जिम्मेदारी वो भी निभाएँ और हम भी निभाएँ, और चाहें कि अब बच्चे हमारे स्कूल में आएँ और हम पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ें। शिक्षक थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि जितनी जिम्मेदारी शिक्षकों की है, प्रधानाध्यापकों की है, उतनी जिम्मेदारी उनके परिजन की भी है, उन पेरेंट्स की भी है। इसलिए पेरेंट्स भी बच्चों को पूरा ध्यान में रखते हुए स्कूल भेजे और जो पढ़ाई बाधित हुई है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।